ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मनन उठा के नहीं जी, अभी तक बाहर तो नहीं आया है। और पूनम, गुड मॉर्निंग चाचा जी। नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तुम तो तैयार हो, लेकिन मनन कहाँ है? 8 बज गए बेटा, भैया को जगा दो। जी चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, तुम जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, हमें आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में चलना है। चाचा जी, सत्संग वत्संग में आप ही चले जाइए, मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है बेटा, अपने धर्म और संस्कृति में भी रुचि लेनी चाहिए। चाची जी, ये सब मुझे जमता नहीं है, सारे धर्मों में बेकार की बातें भरी पड़ी और हमारे धर्म में सबसे ज्यादा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अमेरिका जा रहे हो, जरूर जाओ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपने धर्म और संस्कार को छोड़ ही दो। मनन बेटा, तुम्हें धर्म के बारे में ऐसा क्यों लगता है? चाचा जी, हजारों तो भगवान है हमारे, हर एक के भक्तों का दावा है कि उनके भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, और कहते हैं कि भगवान एक है। ये बात तो बिल्कुल सही है चाचा जी। धर्म ग्रंथों में कितनी कहानियां तो ऐसी भरी पड़ी हैं जो परिवार के साथ तो बहुत दूर, मुझे अपने दोस्तों के बीच में सुनने में भी शर्म आती है। तुम दोनों जो कुछ कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ आओ, बैठो बैठो। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्योपयोगी सभी साधनों की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की, और उसके कल्याण हेतु अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों के हृदय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रकाश किया। बाद में यही ज्ञान लिपिबद्ध हो गया। वेदों के इसी ज्ञान विज्ञान और उपदेश को वैदिक धर्म कहा जाता है। तुम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा ना कि भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त अर्थात श्रेष्ठों का स्थान। महाभारत काल तक आर्यावर्त में वैदिक मत के अतिरिक्त और कोई दूसरा मत नहीं था। वैदिक व्यवस्था में वर्णों का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होता था। गुरुकुल में आचार्य बालक की बुद्धि, शरीर और व्यवहार की कुशल परीक्षा करके दीक्षा के समय उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का वर्ण प्रदान करते थे। 16 संस्कारों के माध्यम से बालक का जीवन परिष्कृत किया जाता था। जीवन में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। समाज में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा और प्रजा सभी वेदों में वर्णित आचार संहिता का पालन किया करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे राजकोष में इतना धन नहीं है कि महारानी की इच्छा अनुसार एक महल का निर्माण हो सके। जी महाराज, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तो प्रजा पर नए कर लगाने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा और कोई उपाय नहीं। महामाती, आप कोषाध्यक्ष से मिलकर विचारिए कि प्रजा पर कौन कौन से नए कर लगाए जा सकते हैं। ठहरो राजन।
ये शास्त्रोचित नहीं राजन। राजा प्रजा का सेवक होता है, स्वामी नहीं। उसका कोई अधिकार नहीं होता जो अपने राग रंग के लिए प्रजा पर करों का बोझ बढ़ाए। क्षमा करें गुरुवर, मुझसे भूल हो गई। महामाते आप जाइए, महामाते महारानी को हम समझा लेंगे। जो आज्ञा महाराज। महामाते, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है, आप ये सुनिश्चित करें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या समस्या है। मैं इस नगर के उत्तरी छोर पर रहता हूँ। वहाँ पर आए दिन डाकू दल हम लोगों पर हमला करके हमें लूटते रहते हैं। इससे हम लोगों को जीवन बिताना कठिन हो गया महाराज। महामाते, इनके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन समय के साथ साथ वर्ण और आश्रम व्यवस्था विकृत होती गई। ब्राह्मण का पुत्र बिना वेद पढ़े भी ब्राह्मण कहलाने लगा और शूद्र का पुत्र शिक्षित होने के बाद भी शूद्र ही रहा। वर्णों का स्थान संकीर्ण जातियों ने ले लिया। राजा की हर गलत बात को ब्राह्मण वेद विहित सिद्ध करते और बदले में राजा से मोटे मोटे पुरस्कार पाते। सभी वर्ण अपने धर्म से पतित हो गए। महाराज, आपने गोमेद और अश्वमेध यज्ञ के विषय में पूछा है। शास्त्रों में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है कि जो राजा जितनी अधिक गायों की और अश्वों की इन यज्ञों में बलि देगा उतनी ही उसके राज्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और राजा अंततः पशुओं सहित मोक्ष को प्राप्त होगा महाराज। अच्छा राजगुरु, मेरे मन में उत्सुकता है कि राजा के मदिरा पान करने के विषय में शास्त्रों में क्या व्यवस्था है। महाराज, जब देवताओं के सोमरस पीने का स्पष्ट वर्णन शास्त्रों में मिलता है तो राजा के मदिरा पान करने में क्या आपत्ति हो सकती है। सोमरस मदिरा ही तो है महाराज। धन्यवाद राजगुरु, आज आपने हमारी एक बड़ी चिंता दूर कर दी। महामाते, एक सहस्त्र मुद्राओं से राज पुरोहित का सम्मान किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। धन्य है महाराज। अरे अरे महाराज, इसमें आपका दोष नहीं, इस पासे का एक बार फिर फेंकी है। आपने याद किया महाराज। हाँ, ये नगर श्रेष्ठ कह रहे थे कि आप इनके व्यापार में कुछ अड़चन डाल रहे हैं। हम अड़चन नहीं डाल रहे हैं महाराज, परंतु जो विधि और न्याय सम्मत नहीं है उसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। मेरे विचार से आप इनको वांछित अनुमति दे दीजिए, बदले में आप इनसे अतिरिक्त कर ले सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। स्वयं वेदों से विमुख होने के कारण और दूसरे पढ़कर कहीं विद्वान न बन जाए इस डर से अन्य वर्णों द्वारा वेदों के अध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों और शूद्रों से शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया। आचार्य जी के पास चल। आचार्य जी, आचार्य जी, ये शूद्र छिपकर वेद पढ़ रहा था। इसका इतना दुस्साहस। अरे अगर शूद्र वेद पढ़ने लगे तो मना हो जाएगा, ले जाओ इसे और सौ कोड़े लगाओ। क्षमा महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा। महाभारत काल तक वैदिक संस्कृति बहुत ही क्षीण हो गई थी। वैदिक मूल्यों से विमुख होने के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें आर्यवर्त का समस्त ज्ञान विज्ञान ऋषि मुनि और विद्वान समाप्त हो गए। नए नए अवैदिक मत शुरू हो गए। वैदिक मत के क्षीण होने पर वाम मार्गी मत आया, जिसने तंत्र द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विचित्र रास्ता दिया।
उन्होंने अपने ग्रंथों के नाम रखे शिव उवाच, पार्वती उवाच और मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। इन पांच मकारों को मुक्ति का साधन बताया। इन्होंने यज्ञ में पशु बलि जैसी बातें अपने ग्रंथों में स्थापित की और उन्हें वेदों की बातें कहकर प्रचारित किया। वाम मार्गियों के अनाचार से त्रस्त होकर कुछ ज्ञानियों ने बौद्ध और जैन मतों की नींव रखी और वाम मार्गियों द्वारा प्रचारित वेदों के विकृत रूप को ही वेद मानकर महात्मा बुद्ध ने भी वेदों का बहिष्कार किया। ईश्वर कैसा? ये लोग एक गाय को बलि के लिए लेकर जा रहे हैं। बलि किस लिए? वो मेध यज्ञ में गाय की बलि देने से गाय और यजमान दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि देने से राजा का कल्याण होता है, ऐसा कौन कहता है? कहते हैं वेदों में लिखा है। अगर ऐसी बातें वेदों में लिखी हैं, तो वेद सर्वथा निषेध किए। जैन मत के प्रवर्तकों ने भी वाम मार्गियों द्वारा रचे गए ग्रंथों को ही वेद मानकर उनका खंडन किया और अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू किया। परमेश्वर का मानना कम होता गया और जड़ वस्तुओं तथा व्यक्तियों की पूजा बढ़ती गई। लगभग 300 वर्षों के जैन मत के प्रभाव से आर्यावर्त में वेदों का पठन पाठन कम होता चला गया, लेकिन वेदों के नाम पर जनता को भ्रमित करना जारी रहा। मंगलम इसी समय श्री आदि शंकराचार्य हुए और उन्होंने एक बार फिर वैदिक मत की स्थापना की। शंकराचार्य ने जैन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें वैदिक मत की ओर लौटने पर विवश किया। वेदों की बुझती ज्योति एक बार फिर सजीव हो उठी। दुर्भाग्यवश शंकराचार्य एक षड्यंत्र का शिकार हुए। उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी गई और वेदों का उगता सूरज एक बार फिर तेजहीन होने लगा। शंकराचार्य स्वयं जड़ वस्तुओं की पूजा के विरोधी थे, मगर उनके शिष्यों ने वाम मार्गियों के प्रभाव में आकर शिव पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा शुरू कर दी। शिव पूजक जैन मंदिरों में भी जाते थे। इसे रोकने के लिए पौराणिकों ने जैनियों के 24 तीर्थंकरों की तरह अपने 24 अवतार बनाए और जैनियों के पुराणों की तरह अपने यहां भी पुराण रचे, फिर मंदिर बनाए और उनमें मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। फिर शाक्त और वैष्णव आदि अन्य मत पैदा हुए। सबने अपने अपने पुराणों की रचना कर अपने इष्ट देवों को महानतम बताया। ये पुराण इन मतों के अनुयायियों ने लिखे हैं, मगर उन्हें व्यास ऋषि रचित कहकर प्रचारित किया गया। इनमें से कई पुराण कहानियों से भरे पड़े हैं, जिनमें राम एवं कृष्ण जैसे महापुरुषों का चरित्र हनन किया गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि ये सब मत अपने को वेद सम्मत ही बतलाते थे। वैष्णवों ने विष्णु जी के चिन्हों जैसे कमल, शंख और चक्र आदि को आग में तपाकर शरीर पर दागने को मुक्ति का मार्ग बताया। आर्यावर्त के मनुष्यों ने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु और रुद्र आदि गुणवाचक नामों को बुलाकर उन्हें व्यक्तिवाचक बना दिया और हरेक नाम की एक अलग आकृति गढ़ ली। एक ओर वैदिक धर्म में ये विकृतियां पनप रही थी, तो दूसरी ओर विदेशी मत अमर बेल के तंतुओं की तरह भारतवर्ष की संस्कृति और अस्मिता का दम घोट रहे थे। तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहे थे और इन सब से आंखें मूंद कर धर्मगुरु मोक्ष प्राप्ति के नए नए सरल साधन उपलब्ध करा रहे थे और जनता को भ्रम जाल में फंसा रहे थे। नए नए व्यक्ति केंद्रित मतों की स्थापना होती गई और देश जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं में पटता चला गया। पहले इस्लाम और फिर ईसाइयत ने यहां पैर पसारे।
विदेशी आक्रांताओं ने न केवल भारत का खजाना लूटा बल्कि यहां की संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान खो दी और हमारा आर्यावर्त पराधीन हो गया। इसी काल में अनेक सामाजिक कुरीतियों ने भी जन्म लिया और देश अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया। हमारी बिखरी हुई अस्मिता को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई नेतृत्व, कोई शक्ति, कोई आदर्श हमारे सामने नहीं रह गया था। चाचा जी, मैंने पढ़ा है कि उस समय कई संस्थाएं समाज सुधार का काम कर रही थी। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय जैसे कई महानुभावों ने समाज सुधार का काम किया। हाँ, 19वीं सदी में कई महापुरुष हिंदू समाज से कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने के लिए आगे आए और उन्होंने अनेक संस्थाओं का गठन भी किया, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज। और इन संस्थाओं ने कुरीतियों को मिटाने की दिशा में कुछ सार्थक काम भी किया। तभी भारत के सामाजिक क्षितिज पर एक प्रखर पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती का उदय हुआ। उनके अप्रतिम व्यक्तित्व और सूक्ष्म बुद्धि से भारतीय जनमानस में एक नई आशा का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन संस्थाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजियत की ओर अपने झुकाव के कारण ये संस्थाएं भारतीय जनमानस की सच्ची प्रतिनिधि नहीं थी। साथ ही ये संस्थाएं वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत भी नहीं मानती थी। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का इन संस्थाओं से मोह भंग हो गया। कमाल है, स्वामी दयानंद ने इतना कुछ किया फिर भी किताबों में उनके बारे में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हाँ, मुझे भी यही आश्चर्य है कि उस जमाने के दूसरे महापुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता है, मगर इनके बारे में तो कुछ भी नहीं है। हमें उनके बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ हाँ, जरूर। युग प्रवर्तक महान योगी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। उन्होंने मथुरा में महान व्याकरणाचार्य विरजानंद जी महाराज से शिक्षा प्राप्त की और गुरु दक्षिणा में उन्हें ये वचन दिया कि वे जीवन भर इस आर्यावर्त में असत्य और अज्ञान के अंधेरे को दूर हटाकर आर्ष ग्रंथों यानी ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों का प्रकाश फैलाएंगे और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर प्रवचनों और शास्त्रार्थों के माध्यम से वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने और सभी प्रचलित मतों द्वारा असत्य और जड़ वस्तुओं की पूजा को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने काशी के स्वयंभू प्रकांड विद्वानों को वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध करने के लिए ललकारा। सन 1869 में एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में काशी के 27 चोटी के विद्वान मिलकर भी मूर्ति पूजा को वेद सम्मत सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस सच्चाई को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। सायन, उभट, महीधर और मैक्स मुलर के वेद भाष्यों में पशुबलि जैसी झूठी बातों का निराकरण करते हुए स्वामी जी ने वेदों के वास्तविक अर्थ को स्थापित करने का महान कार्य किया। साथ ही उन्होंने अनेक राजाओं को संगठित कर उन्हें देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। परिणामतः एक बार फिर भारतीयों में स्वाभिमान की लहर दौड़ने लगी और देश क्रांति की ओर बढ़ा। हिंदू धर्म और समाज में फैले अंधकार को मिटाने और वेदोक्त सत्य को पुनर्स्थापित करने का कार्य निरंतर चलता रहे, ये सोचकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने समाज को परोपकार का संदेश देते हुए विश्व को श्रेष्ठ और सुखी बनाने का आह्वान किया। तब से आज तक आर्य समाज तरह तरह से देश और समाज की सेवा करता आ रहा है। कौन से खास काम किए हैं आर्य समाज ने, बच्चों को बताइए ना। आर्य समाज ने तो बहुत कुछ किया है। नारी शूद्रो नाधीयता, नारी नरकस्य द्वारम। धर्म के ठेकेदारों ने स्त्रियों और शूद्रों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया था। आर्य समाज ने इस अधिकार को पुनः स्थापित किया।
और घोर सामाजिक विरोध के बाद भी समर्पित आर्यों ने अपनी बेटियों को पाठशाला भेजना शुरू कर दिया। सोच ले रामलाल, बेटियों को पाठशाला भेजना हमारे धर्म के, हमारी परंपराओं के खिलाफ है, पाप है, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू अगर अपनी बेटियों को पाठशाला भेजेगा तो हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। चौधरी, गलती माफ हो, अगर बेटियों को विद्या पाने का अधिकार नहीं है तो तुमने अपनी बेटी का नाम विद्या क्यों रखा है? क्या मतलब? पढ़ी लिखी बेटी सुखी परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। कन्या के पढ़ जाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। मैंने तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पे चलने का दृढ़ संकल्प ले लिया। मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। आर्य समाज ने महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय, गुरुकुल और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान खोले। सती की कुप्रथा का एक बड़ा कारण था लड़कियों का छोटी उम्र में ही विधवा हो जाना। आर्य समाजों में विधवाओं को अपनाने के लिए संकल्प उठवाए जाते थे। विधवा होने पर या तो उसे जबरदस्ती सती कराया जाता है या फिर काशी मथुरा जैसी जगहों पर उसे भिखमंगों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या हमारा अपनी बहु बेटियों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या औरत विधवा होते ही हमारी बहु बेटी नहीं रहती? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो विधवाओं को अपनी बेटी बनाने को तैयार है? कि यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो विधवाओं को अपनी पत्नी बनाने को तैयार है? हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए। अनेक आर्य समाजियों ने विधवाओं को अपनाने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी। इस प्रकार विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता मिल जाने के कारण सती प्रथा में अपने आप कमी आई। लड़कियों का छोटी उम्र में ही विधवा हो जाने का दूसरा मुख्य कारण था बहुत ही छोटी उम्र में विवाह और छोटी बच्चियों का बूढ़ों से विवाह। आर्य समाज ने इन कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाकर शारदा एक्ट बनवाया और हिंदू समाज को इनसे मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू समाज में मृत बच्चों को दफनाने की प्रथा चल निकली थी। आर्य समाज ने शिशुओं का भी दाह संस्कार करने की प्रथा को पुनः स्थापित किया। अपने इन क्रांतिकारी कदमों के लिए प्रारंभ में आर्य समाजियों को हर प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, किंतु आर्य समाज ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हम लोग जो जात पात के पचड़ों में आज तक फंसे हुए हैं, उसके बारे में आर्य समाज ने कुछ किया क्या? क्यों नहीं किया? इस कुरीति के विरुद्ध जितना काम आर्य समाज ने किया है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। आर्य समाज का जोर इस बात पर है कि कोई भी मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो 125 साल पहले अपने अनुयायियों को इस बात का निर्देश दिया था कि जाति सूचक उपनाम न लगाकर आर्य शब्द का प्रयोग किया जाए। अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देकर आर्य समाज ने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया और अनेक आर्य समाजी नेताओं ने स्वयं अपने बच्चों के अंतर जातीय विवाह किए। इस कारण हजारों आर्यों को न सिर्फ समाज से बल्कि अपने ही परिवारों से भी बहिष्कृत किया गया।
नीची कही जाने वाली जातियों के लिए दलित शब्द भी आर्य समाज की ही देन है। ये शब्द आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक है, न कि जन्मजात छोटेपन का। केरल के वाइकोम नगर के इस प्रसिद्ध बंदर के चारों ओर की सड़कों पर दलितों को चलने का भी अधिकार नहीं था। दलितों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए आर्य समाज ने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में यहां एक सफल सत्याग्रह किया था। इसमें तो बड़ी समस्या है, 36 गुणों में से दोनों के सिर्फ 3 गुण मिलते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा महाराज, लड़का बहुत अच्छा है, एक बार हाथ से निकल गया तो क्या करें। अरे आपकी कन्या की कुंडली में सर्प दोष है, समस्या तो आएगी। पर इसका कोई उपाय तो होगा महाराज। देखिए जजमान, उपाय तो हर दोष का होता है, परंतु इसके लिए मुझे अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो कीजिए ना महाराज, ये रहे दक्षिणा के 501 रुपए। मैं कब आ जाऊं महाराज? मैं इसकी शुद्धि करके रखता हूं, आप कल आकर शुद्ध कुंडली लेकर जाइए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी की 13वीं परसों है ना? हाँ पंडित जी, उसी के बारे में आपसे बात करने आया था। सब लोग कह रहे हैं कि पूरी बिरादरी को भोज कराना पड़ेगा, पर इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। देखो यदि पैसा नहीं है तो बिरादरी का भोज रहने दो। तुम ऐसा करो कि 13 ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवा दो। इतने से काम हो जाएगा पंडित जी? अरे क्यों नहीं, अवश्य हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ 5 वस्त्र और 101 रुपया दक्षिणा के अवश्य दे देना। इतना सब करना पड़ेगा, इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं? जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? जी 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 जी, घोर कलयुग आ गया है। अरे यदि पैसों से इतना ही मोह है तो ये सब 13वीं का नाटक क्यों? हाँ भटकने दो अपने पिता की आत्मा को। नहीं नहीं पंडित जी, मैं कुछ करता हूँ, आप बुला लीजिए 13 पंडितों को। तो क्या आर्य समाज कुंडलियों और तीर्वियों जैसी चीजों में भी विश्वास नहीं करता? आर्य समाज कुंडली, फलित ज्योतिष, भाग्यवाद और जन्म पत्री का विरोध करता है और हर दिशा और समय को शुभ मानता है। लेकिन ये क्या बात हुई, समाज सुधार का ये मतलब तो नहीं कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी अनुष्ठान ना करें? वैदिक मान्यता है कि मृत पितरों के श्राद्ध के नाम पर घर लुटाने की बजाय जीवित पितरों यानी बुजुर्गों में श्रद्धा भाव रखा जाए और उनकी सच्चे मन से सेवा की जाए। वाओ, दिस इज टेरिफिक, आई नेवर न्यू दिस। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। महर्षि दयानंद ने 1867 के हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर इन अंधविश्वासों और पाखंडों के खिलाफ अभियान छेड़ा और जनता को जन्मपत्री, हस्तरेखा, गुरुडम, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत के जाल से निकालकर जीने की सही राह दिखाई। लेकिन चाचा जी, अगर सिर्फ ऐसे आंदोलन चलाने की बजाय आर्य समाज ने आम जनता को शिक्षित करने के लिए कोई अभियान चलाया होता तो ज्यादा अच्छा होता ना। जनता अगर एक बार समझ जाए तो सारी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। आर्य समाज ने ये भी किया है बेटे। महर्षि दयानंद ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए डंके की चोट पर कहा कि शिक्षा सबके लिए है और वेदों पर सबका समान अधिकार है। शिक्षा का प्रसार आर्य समाज ने एक जन आंदोलन के रूप में किया। आज विश्व भर में DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय महाविद्यालय तथा आर्य समाज की अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हजारों शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, जहां लाखों बालक बालिकाएं शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। भाषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का माध्यम है, किंतु भारत में भाषाओं की भिन्नता यहां के नागरिकों को एक दूसरे से विमुख कर रही थी। महर्षि दयानंद ने यह अनुभव किया कि इस भूखंड को एक संपर्क भाषा के बिना एक स्वयं प्रभुता संपन्न राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और उन्हें हिंदी भाषा ही देश की संपर्क भाषा बनने के लिए उपयुक्त लगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महर्षि ने लेखन व प्रवचन के लिए संस्कृत के साथ साथ हिंदी को अपनाया। उनकी प्रेरणा से अनेक पत्र पत्रिकाएं जो पहले उर्दू में निकलती थी
अब हिंदी में प्रकाशित होने लगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के समय अपना स्वागत भाषण हिंदी में दिया, जो कांग्रेस के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। आज हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में आर्य समाज का योगदान अद्वितीय है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। गुलाम भारत को स्वराज्य की कल्पना महर्षि दयानंद ने दी। महर्षि दयानंद द्वारा रचित क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने तत्कालीन विचारधारा को प्रभावित किया। स्वामी श्रद्धानंद की चांदनी चौक दिल्ली पर स्थित ये भव्य मूर्ति आर्य समाज के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की साक्षी है, जहां उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए ब्रिटिश सैनिकों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोलते हुए उन्हें गोली चलाने की चुनौती दी थी। कांग्रेस में आर्य समाजी नेताओं की एक बड़ी संख्या थी, जहां एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे गांधीवादी आर्य समाजी थे, तो दूसरी ओर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी आर्य समाजियों की एक लंबी कतार थी। देश और धर्म पर जब जब संकट आया, आर्य समाज ने सर्वस्व त्याग की पहली आहुति डाली। निजाम हैदराबाद के हिंदू विरोधी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह में अनेक आर्य समाजियों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। इसी प्रकार आर्य समाजियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मोपला के दंगा पीड़ितों को सहायता पहुंचाई। पौराणिक मत से सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद जब जब किसी विधर्मी ने इस पर उंगली उठाई, तो उसका मुंह तोड़ उत्तर आर्य समाज के वीरों ने अपना खून बहा कर दिया, क्योंकि आर्य समाज का विरोध मंदिर और उनमें रखी मूर्तियों से नहीं है, बल्कि असत्य और अंधविश्वास की उन मूर्तियों से है जो लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठ गई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी मिलने पर भी आर्य नेता सत्ता से दूर रहते हुए पहले की ही तरह राष्ट्र निर्माण के काम में लगे रहे। आर्य समाज स्वतंत्र भारत में युवाओं के चरित्र निर्माण का काम अपने आर्यवीर और आर्य वीरांगना दलों के माध्यम से कर रहा है। इन्हीं वीर दलों के सदस्य राष्ट्रीय आपदाओं के समय सहायता कार्य में सबसे आगे रहते हैं। देशभक्ति, ब्रह्मचर्य पालन और उच्च नैतिक व सामाजिक मूल्य इन युवक व युवतियों को सिखाए जाते हैं। एक समय देश में जो हाल हिंदी का हुआ था, बाद में वही हाल संस्कृत का हो गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संस्कृत उपेक्षित होने लगी। ऐसे में आर्य समाज के विद्वानों ने नए नए गुरुकुल और विद्यापीठ खोलकर न केवल संस्कृत को जीवित रखा, बल्कि उसका परिष्कार और प्रसार भी किया। आर्य ग्रंथों का संरक्षण और अध्ययन इन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से संभव हुआ। योग हमारी एक अनूठी विरासत है जो सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है, मगर आधुनिक जीवन और शिक्षा शैली में इसका कोई स्थान नहीं बचा था। योग दृष्टा महर्षि दयानंद ने प्रत्येक गुरुकुल के साथ एक व्यायामशाला का खोलना भी अनिवार्य किया था, ताकि योगासनों और अन्य व्यायाम विधियों द्वारा शरीर के साथ साथ मन को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सके। आज इन्हीं गुरुकुलों से बड़े बड़े योगाचार्य निकले हैं,
जिन्होंने योग के सच्चे अर्थों और तरीकों को समझाकर दुनिया को तन और मन से स्वस्थ रहने की एक नई राह दिखाई है। जब भी देश पर प्राकृतिक आपदाएं आईं, आर्य समाज सहायता के लिए सबसे पहले तत्पर हुआ है और उसका कार्य मानव मात्र के लिए होता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर। मध्यकाल से चली आ रही बच्चियों की हत्या का सिलसिला आज पहले से कहीं अधिक भयावह रूप धारण कर चुका है। आज बच्चियों को भ्रूण अवस्था में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारा होने वाला बच्चा लड़की है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो पहला बच्चा हो वो लड़का हो। जी, इनका मतलब ये है कि अगर हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें। इस अमानुषिक कृत्य के विरुद्ध हर आर्य संकल्पबद्ध है कि वो किसी भी प्रकार लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करेगा। आधुनिकता की अंधी दौड़, पश्चिमी सभ्यता की विवेकहीन नकल, बुद्धिजीवियों की उदासीनता और संचार साधनों के मालिकों की पैसे की भूख ने भारत की संस्कृति को अश्लीलता की आग में झोंक दिया है। फैशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संचार माध्यमों में संस्कारों और पारिवारिक मर्यादाओं का नित्य हनन होता है। सदाचारी महापुरुषों के स्थान पर पॉप सिंगर्स और निम्न श्रेणी के अभिनेता नई पीढ़ी के आदर्श बनते जा रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिक उन्नति में गाय के योगदान को महर्षि दयानंद ने समझा। उन्होंने गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखकर यह सिद्ध किया कि एक जीवित गाय मृत गाय से कहीं ज्यादा उपयोगी है। आर्य समाज ने अनेकों गौशालाएं स्थापित की और गोवंश रक्षा में अनेक आंदोलन चलाए। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत के कई प्रदेशों में अनेक गौशालाएं चलाई जा रही हैं। शाकाहार वेदों की मूल भावना है जिसे आर्य समाज ने अपनाया। आयुर्वेद हजारों वर्षों से कहता आ रहा है कि शाकाहार शरीर के पोषण में पूरी तरह सक्षम है। आज पूरा विश्व इस बात को समझकर शाकाहार की ओर झुक रहा है। वेदों में पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया है और कहा गया है कि वनस्पतियों, औषधियों एवं जल के स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। आर्य समाज द्वारा वेदों के निर्देश पर चलते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आर्य समाज के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पैदा हुई राख या कूड़ा करकट पानी में न फेंका जाए। आर्य समाज की मान्यता है कि यज्ञों से एक सीमा तक पर्यावरण शुद्धि एवं संतुलन संभव है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वेदों में इतनी अच्छी बातें हैं। हाँ, हम तो यही समझते आए कि ये सारे उल्टे सीधे किस्से कहानियाँ जो रोज रोज टीवी पर देखने को मिलते हैं यही धर्म का सार है। हाँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वास्तव में पूरा का पूरा हिंदू समाज इतना भ्रमित हो चुका है कि अधिकतर लोग धर्म का मर्म भूलकर अंधविश्वासों को ही धर्म समझ बैठे हैं। और आर्य समाज की यही कोशिश है कि इस भ्रम के अंधेरे को दूर हटाकर वैदिक धर्म के प्रकाश को पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए। अगर ये सब मुझे पहले पता लगा होता तो अब तक मैं भी आर्य समाज की मेंबरशिप ले चुका होता। चाचा जी, मैं लखनऊ वापस जाकर आर्य समाज में नियमित जाया करूंगी। चाचा जी, अमेरिका में भी आर्य समाज है? बिल्कुल है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सारी दुनिया में आर्य समाज है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के इस महायज्ञ में आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज वो संस्था है जहां न जात पात का झगड़ा है और न ही ऊंच नीच का भेदभाव। महर्षि दयानंद के आदर्शों और वैदिक ज्ञान की छाया में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना और राष्ट्रोत्थान का संकल्प है। समस्त जगत में शांति की प्रार्थना के साथ आर्य समाज कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को एक श्रेष्ठतर स्थान बनाने के अपने आदर्श पर
भविष्य में भी कटिबद्ध है। आओ चलें सत्य की राह पर। नमस्ते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति प्रीति विश्रांति राप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।